डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा, आज हम आप लोगों को लेट और ड्यू का यूज पढ़ाने जा रहे हैं। मुझे खेलने दो, इस वाक्य के अंत में दो आता है, कोई कार्य करने दो, मुझे खेलने दो। इसमें लिखेंगे सबसे पहले लेट, मुझे का मी, खेलने का प्ले, लेट मी प्ले। मुझे एक किताब दो, किताब एक वस्तु है, वस्तु के लिए गिव लगेगा, गिव मुझे का मी ए बुक। अर्थात आप समझ गए होंगे, लेट का प्रयोग हम करेंगे जब वर्ब रहेगा, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, मुझे पानी पीने दो। और गिव का प्रयोग कब लगेगा, जब वस्तु रहेगी, थिंग्स, वस्तुएं, गुड्स जिसे कहते हैं। जैसे हमें पढ़ने दो, पढ़ना एक क्रिया है, वर्ब है, तो यहां लेट का प्रयोग करेंगे। लेट हमें का अस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, भी का ऑब्जेक्ट अस लिखेंगे। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग होगा, लेट भी नहीं होगा, लेट अस होगा, लेट आई नहीं होगा, लेट मी होगा। तो लेट के बाद आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। लेट अस रीड और वर्ब का पहला फॉर्म, हमें पढ़ने दो, लेट अस रीड। हमें अपनी पेन दो, पेन एक वस्तु है, इसलिए यहाँ गिव का प्रयोग करेंगे, गिव और हमें का ऑब्जेक्ट अस, गिव अस योर पेन। अब यहाँ एक चीज हम ध्यान देंगे, जैसे है चलो खेलें, चलो खेलें, तो चलो का होता है लेट अस, खेले का प्ले, चलो स्कूल चलें, लेट अस गो टू स्कूल। इस तरह से चलो के लिए भी हम लेट अस का प्रयोग करेंगे, आओ चलो रहेगा, आओ खेलें तब भी लेट अस का प्रयोग करेंगे, चलो रहे चाहे आओ, आओ खेलें लेट अस प्ले, चलो खेलें तब भी लेट अस प्ले। और इस तरह से आप इस बात का ध्यान रखिएगा, लेट का प्रयोग वर्ब के लिए करेंगे और गिव का प्रयोग वस्तु के लिए करेंगे। थैंक यू।